अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं चकवाल, एक दोस्त की शादी है तो आपको चकवाल विज़िट कराएंगे। अभी हम इंटर हो रहे हैं मोटरवे M1 पे इस्लामाबाद के लिए, नहीं इस्लामाबाद से चकवाल के लिए। तो आपको मोटरवे भी दिखाते हैं, मोटरवे की कुछ रूल रेगुलेशन बताते हैं। और आज हमारे पास जो गाड़ी है हम यूज़ कर रहे हैं बोलान कैरी है, इसका आपको रिव्यू देंगे, इसकी स्पीड कितनी है, कितनी सेफ स्पीड है इसकी और कितनी टॉप स्पीड है। इस पे मैनुअल ट्रांसमिशन है, चार गियर हैं और यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ट्रक चल रहे हैं फास्ट ट्रैक में। गाइस मोटरवे का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है अभी तक, तो मतलब मोटरवे पे ट्रैवल करना और जी रोड पे ट्रैवल करना बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे थोड़ा मोटरवे पुलिस को देखना चाहिए, जो ट्रक वगैरह हैं और जो जो बसें हैं ये सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं, और इस चीज़ का थोड़ा हमें कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर रोड रडार नहीं है तो जहाँ कहीं पे कैमरा लगा होता है वहीं से वो फाइन हो सकता है या वहीं से वो लोग ट्रैक हो सकते हैं। जहाँ तक बात है, हम बात करें इस बोलान की, तो बोलान काफ़ी लाइट गाड़ी है सुजुकी की, जो पाकिस्तान में अभी तक चल रही है। सेफ्टी फीचर इसमें कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास इसमें एयर बैग हैं और सीट बेल्ट भी जो है वो फिक्स सीट बेल्ट है। तो इसकी टॉप स्पीड एज़ पर कंपनी मीटर में 120 आ रही है, लेकिन आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप 80 या 85 से प्लस ना जाएँ, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल काफ़ी लो है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा है उनकी वजह से, और गाड़ी की हाइट भी ज़्यादा है। और इसमें जो आप कह सकते हैं फ्रंट एयर रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी बुरी तरह है, क्योंकि गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल बंद है। कार में जो होता है फ्रंट में आपका इंजन है तो फ्रंट रिफ्लेक्शन अच्छी रहेगी। तो एज़ पर आवर रिकमेंडेशन 85-80 इज़ इनफ स्पीड। तो अभी हमने इसको थोड़ा चेक करने के लिए हमने इसकी स्पीड 100 प्लस की है, उस पर गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल से आउट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है अंदर। गाड़ी में एसी नहीं है इसलिए मैं शीशे खोल के जाना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी शोर आ रहा है। अभी हम इसके बोलान के अगर और फीचर की बात करें तो मैं आपके साथ साथ दिखाता हूँ बोलान फीचर कैसे हैं। अभी मैं और मिस्टर आदिल हम लोग जा रहे हैं काफ़ी थोड़ा लंबा सफर, फाइनली एक घंटा ड्राइव के बाद कलर का हार चुबा सदन शाह इंटरचेंज में पहुंच चुके। मजा सही खुलेगा ना, चला बता तेरा। हाँ ना, रास्ता क्यों है, ये वही है ना जो मैं तेरे क्या आया हूँ, ये रोड बढ़िया क्या अच्छे है, इधर हमने नाश्ता किया था, ये आगे रोड बोल रहा है। तो फाइनली हम आ चुके हैं चकवाल में, ज़िला चूहा की तहसील चूहा सदन शाह। यहाँ पे हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके भाइयों की शादी की तकरीब आता है और वहाँ पे आज हम आए हैं, स्पेशल इनवाइटेड हैं हम। हम अटक से आए हैं और आदिल भाई हैं, ये आए हैं इस्लामाबाद से। तो अभी हम जा रहे हैं, हमें जगह नहीं मिल रही, देखते हैं कहाँ तक जाना है हमने। हम लोग वहाँ पे काफ़ी लेट पहुँचे, शादी की तकरीबात ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पे जाके कुछ वीडियो या कुछ आपको चकवाल की शादी नहीं दिखा सका। रास्ता काफ़ी लंबा था, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लंबा था। नेक्स्ट टाइम किसी स्पेशल टूर पे चकवाल जाके आपको चकवाल दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब नाउ।